नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तिरुकुलर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक चलती है। तिरुकुलर सुपरफास्ट एक्सप्रेस हर सोमवार और शनिवार को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक 12,642 के रूप में संचालित होती है, और विपरीत दिशा से हर बुधवार और शुक्रवार को तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक 12,641 के रूप में संचालित होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से सुबह के 5:20 में 7 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रस्थान होती है, और 47:20 बाद तीसरे दिन की सुबह 4:40 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक पहुंचने के लिए 3 दिनों में 23 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 2,919 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है 63 किलोमीटर पर आवर है। LHB कोच वाले ट्रेन है। अगर रूट की बात करें तो दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से अपनी यात्रा को स्टार्ट करती है, फिर आगरा कैंट स्टेशन होते हुए फिजियल झांसी जंक्शन में पहुंचती है, फिर भोपाल जंक्शन, नागपुर जंक्शन, विजयवाड़ा जंक्शन, गुडूर जंक्शन, सेनायगो स्टेशन, संगलबट्टू जंक्शन, विद्यासलम जंक्शन, तिरुचिरापल्ली जंक्शन, डिंडुगुल जंक्शन, मदुराई जंक्शन, तिरुनेलवेली जंक्शन, नगरकोइल जंक्शन होते हुए 47:20 बाद तीसरे दिन की सुबह 4:40 में तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म में पहुंचती है। खाने पीने के बारे में बात करें तो तिरुकुलर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है, जो यात्रियों को आसानी से भोजन करने की विकल्प प्रदान करती है। अगर टिकट किराया के बारे में बात करें तो तिरुकुलर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में 2nd AC, 3rd AC, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकार कोच भी शामिल है। तो मैं अभी आपको जो टिकट किराया बताऊंगा दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक का है। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर ले। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक AC 2 टायर का किराया है 3,605 रुपया। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक AC 3 टायर का किराया है 2,765 रुपया। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक स्लीपर क्लास का किराया है 960 रुपया। और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन तक जनरल कोच का किराया है 515 रुपया। ये अपडेटेड है और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात करते हैं। तिरुकुल्लर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ कितना समय के लिए रुकते हैं, उसका टाइम टेबल क्या है, और जान लेते हैं कौन कौन सा स्टेशन आते हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, स्टेशन कोड NJW, सुबह के 5:20 में तिरुकुल्लर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्टेशन के लिए प्रारंभ होते हैं। आगरा कैंट स्टेशन, स्टेशन कोड AGC, सुबह के 7:35 में पहुंचती है, और 7:40 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिजियल झांसी जंक्शन, स्टेशन कोड PGLJ, दोपहर के 11:30 में पहुंचती है, और 11:38 में प्रस्थान करती है। 8 मिनट का स्टॉपेज है। भोपाल जंक्शन, स्टेशन कोड BPL, शाम के 3:55 में पहुंचती है, और 7:05 में प्रस्थान करती है। 10 मिनट का स्टॉपेज है। इटारसी जंक्शन, स्टेशन कोड ET, शाम के 5:50 में पहुंचती है, और 5:55 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। बेतुल स्टेशन, स्टेशन कोड BJDU, सुबह के 9:33 में पहुंचती है, और 9:35 में प्रस्थान करती है। 2 मिनट का स्टॉपेज है। नागपुर जंक्शन, स्टेशन कोड NGP, शाम के 10:20 में पहुंचती है, और 10:25 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है। बोलोरसा स्टेशन, स्टेशन कोड BPQ, रात के 1:45 में पहुंचती है, और 1:50 में प्रस्थान करती है। 5 मिनट का स्टॉपेज है।
विजयवाड़ा जंक्शन स्टेशन को बीजे डे सुबह के 8:40 में पहुँच दी गए और 8:50 में प्रस्थान गोटी ये 10 मिनट का स्टॉपेज है। गुडूर जंक्शन स्टेशन को जीडीआर दोपहर के 12:58 में पहुँच दी गए और 1 बजे प्रस्थान गोटी ये 2 मिनट का स्टॉपेज है। चेन्नईगो स्टेशन को MS शाम के 3:55 में पहुँच दी गए और 7:20 में प्रस्थान गोटी ये 25 मिनट का स्टॉपेज है। ताम्बारम स्टेशन को TBM शाम के 7:48 में पहुँच दी गए और 7:50 में प्रस्थान कोटी है 2 मिनट का स्टॉपेज है। चंगलपट्टू जंक्शन स्टेशन को CGR शाम के 5:18 में पहुँच दी गए और 5:20 में प्रस्थान कोटी है 2 मिनट का स्टॉपेज है। बिल्लुपुरम जंक्शन स्टेशन को PM शाम के 6:50 में पहुँच दी गए और 6:55 में प्रस्थान कोटी है 5 मिनट का स्टॉपेज है। विद्यासलम जंक्शन स्टेशन को VRI शाम के 7:35 में पहुँच दी गए और 7:37 में प्रस्थान कोटी है 2 मिनट का स्टॉपेज है। तिरुचिरापल्ली जंक्शन स्टेशन को TPG शाम के 9:25 में पहुँच दी गए और 9:30 में प्रस्थान कोटी है 5 मिनट का स्टॉपेज है। दिंडुगुल जंक्शन स्टेशन को DG शाम के 10:30 में पहुँच दी गए और 10:35 में प्रस्थान कोटी है 5 मिनट का स्टॉपेज है। मदुराई जंक्शन स्टेशन को MDU रात के 11:45 में पहुँच दी गए और 11:50 में प्रस्थान कोटी है 5 मिनट का स्टॉपेज है। बिरुनगर जंक्शन स्टेशन को PPT रात के 12:23 में पहुँच दी गए और 12:25 में प्रस्थान कोटी है 2 मिनट का स्टॉपेज है। सोटूर स्टेशन को SRT रात के 12:46 में पहुँच दी गए और 12:48 में प्रस्थान कोटी है 2 मिनट का स्टॉपेज है। ट्यूनल वैली जंक्शन स्टेशन को TEN रात के 2:20 में पहुँच दी गए और 2:25 में प्रस्थान कोटी है 5 मिनट का स्टॉपेज है। नगरकोइल जंक्शन स्टेशन को NCG रात के 3:30 में पहुँच दी गए और 3:35 में प्रस्थान कोटी है 5 मिनट का स्टॉपेज है। कन्याकुमारी स्टेशन को CAPE सुबह 7:40 में कन्याकुमारी स्टेशन पहुँच दी है। दोस्तों इसका साथ ही तिरुकुल्लार सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी और ट्रेन के बारे में हम वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।